आज मैं आप लोगों के लिए आलू पनीर की बहुत ही टेस्टी सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए फिर इसे बना लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू पनीर की सब्जी। तो इसे बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, जिसको हम कट कर लेंगे। आप यहाँ देखेंगे कि किस तरह से पनीर को हम काट रहे हैं, उसी तरह से आपको काट लेना है। आप लोग इस पनीर की सब्जी को रोटी, पूरी, पराठे, चावल, पुलाव, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और झटपट से बन के तैयार हो जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे पनीर को हमने कट कर लिया है। 2 उबले हुए आलू को हमने छील के रख लिया है, आप यहाँ देख सकते हो। चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे चढ़ा दिया हमने एक पैन। पैन अब गर्म हो चुका है, इसमें डाल देंगे तेल। तेल को अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे, तब हम इसमें पनीर डाल के इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि सारा पनीर हमने पैन में डाल दिया है और इसको दूसरी तरफ से पलट के अच्छे तरीके से फ्राई करके निकाल लेंगे। यह आलू पनीर की सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमने पनीर को पैन में से निकाल लिया है, एक प्लेट में सारे पनीर को निकाल लेना है। अब हम इसमें और थोड़ा सा तेल डाल के इसमें हम सब्जी बना लेंगे। आप यहाँ देखेंगे पैन में हम थोड़ा सा तेल डाल चुके हैं। तेल में डालेंगे एक तेज़पत्ता, तेज़पत्ता के साथ ही डालेंगे सूखा लाल मिर्च। सूखा लाल मिर्च हमने डाल दिया है। साथ में डालेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा। इन सभी चीज़ों को हल्का पकने देंगे, तब हम इसमें डाल देंगे एक बड़े साइज के प्याज को हमने बारीक कट करके रखा है, वही हम इसमें डाल दे रहे हैं। तो आप यह देखेंगे कि सारा प्याज हमने डाल दिया है और इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। आप लोग एक बार मेरे तरीके से आलू पनीर की सब्जी जरूर बना के देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो आप यहाँ देखेंगे प्याज का कलर अब चेंज हो चुका है। अब इसको लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। प्याज अब भून चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट डाल के अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। साथ में डालेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और डालेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन सभी चीज़ों को डालने के साथ इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। नमक डाल दिया हमने, 1 से 2 चम्मच पानी डाल देंगे जिससे कि मसाला ना जले, और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। मसाला भून चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। साथ में डालेंगे आधा छोटा चम्मच किचन किंग पाउडर। इन दोनों मसालों को डाल के फिर से अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे उबले हुए आलू को। आलू को हमने पीस में चौकोर चौकोर कट कर लिया है, वही आलू हम इसमें डाल दे रहे हैं। आप चाहें तो आलू को रफली भी तोड़ कर डाल सकते हो। आलू डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके चलाते हुए भून लेंगे। अब हम यहाँ इस सब्जी में डालेंगे आधा छोटा चम्मच कस्तूरी मेथी। उसको हम हाथों से क्रश करके इसमें डाल दे रहे हैं और इसको अच्छे तरीके से मिलाते हुए चला लेंगे। अब हम इसमें डाल दे रहे हैं फ्राई किया हुआ पनीर। पनीर डाल के इसको आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चलिए अब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें पानी डाल दे रहे हैं। पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से मिलाते हुए मिक्स कर लेंगे और इसको ढक के धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट जब हो जाएगा तब हम इसका ढक्कन हटा के चेक कर लेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे अब हम इसका ढक्कन हटा दे रहे हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर ले रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हो आलू पनीर की सब्जी बनके तैयार है। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आलू पनीर की सब्जी बनके तैयार है खाने के लिए। आप लोग एक बार इस तरह से आलू पनीर की सब्जी जरूर बना के देखिए। अगर आप लोगों को ये आलू पनीर की सब्जी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।